मुरैना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में चंबल नदी के किनारे स्थित एक जिला है जो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। चंबल संभाग में तीन जिले आते हैं जैसे मुरैना, भिंड, श्योपुर। दोस्तों वैसे तो मुरैना जिला भौगोलिक रूप से बिहड़ उपजाऊ भूमि और घने वनों के लिए जाना जाता है, लेकिन किसी समय यह जिला महाभारत कालीन एक नगरी थी जो कि महाभारत काल के समय बहुत ही प्रसिद्ध थी। उस समय मुरैना का प्राचीन नाम मयूरवन हुआ करता था क्योंकि यहाँ मोर पक्षी बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता था। वैसे मुरैना का वर्तमान नाम मोर और रैना से मिलकर बना है, अर्थात जहाँ मोर पक्षी के रहने का बसेरा है के नाम पर ही मुरैना पड़ा है। मुरैना जिला किसी समय डाकुओं और बागियों का गढ़ माना जाता था क्योंकि युगों से ये जिला डकैतों, लुटेरों या ठगों की लूटमार से ग्रस्त रहा है। मुगल काल के दौरान भी शक्तिशाली प्रशासन इन खतरों को रोकने में विफल रहा था। वैसे दोस्तों अभी यहाँ पर डाकू या लुटेरे नहीं हैं, क्योंकि मुरैना विकासशील जिला बन चुका है। अब यहाँ कई सारे शिक्षा संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय मौजूद है। फ्रेंड, मुरैना जिला क्षेत्रफल के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य का 34वां सबसे बड़ा जिला है जो लगभग 4989 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये जिला ग्वालियर नगर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मुरैना जिले में प्रशासनिक विभाजन उपमंडल, ब्लॉक और तहसील में किया गया है। इनके मुख्य अधिकारी एसटीएम, बीडीओ और तहसीलदार होते हैं। मुरैना जिले में बड़े पैमाने पर आरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ के वनों में नीलगाय, मोर, भेड़िये, जंगली सुअर, लोमड़ी, हिरण और खरगोश पाए जाते हैं तथा इस जिले में सर्वाधिक आम पक्षी मोर पाई जाती है। दोस्तों इनके अलावा मुरैना जिले में मध्य प्रदेश राज्य की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति सहरिया निवास करती है तथा मुरैना की कुल जनसंख्या 21 लाख के लगभग है, जिसमें 5 लाख के लगभग लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते और बाकी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके अलावा यहाँ राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य स्थित है जिसे वन्य जीव अभयारण्य या घड़ियाल अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है जो भारतीय घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही इस अभयारण्य में ताजा पानी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन, ताजा पानी के कछुओं की 9 प्रजातियां और पक्षियों की 180 से अधिक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यह अभयारण्य 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह अभयारण्य 3 राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। दोस्तों मुरैना शहर 8 तहसीलों में बटा हुआ है जैसे जौरा, मुरैना शहरी, मुरैना ग्रामीण, कैलारस, सबलगढ़, बामोर, अम्बा, पोरसा है। फ्रेंड, खनिज संपदा की दृष्टि से मुरैना जिले को ज्यादा समृद्ध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मुरैना जिले में चुना पत्थर ही पाया जाता है। इनके अलावा बामोर तहसील में कई औद्योगिक केंद्र भी हैं। यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सीमेंट कारखाना, चीनी मिल, जेके टायर फैक्ट्री, राठी तेल मिल आदि उपस्थित है। इस जिले की सीमा जैसे भिंड जिले से ग्वालियर जिले तथा दक्षिण पश्चिम में शिवपुर जिले के साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुए हैं। फ्रेंड, इस जिले में कई धार्मिक स्थान भी हैं जो देखने में अद्भुत कला के धनी हैं। इन सब में प्रसिद्ध है मितावली मंदिर जिसे 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का वृत्ताकार योजना वाला एक बहुत ही अनोखा और शानदार मंदिर है क्योंकि भारत की संसद भवन भी इसी योगिनी मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। यह मंदिर 9वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश के 10वें शासक सम्राट देवपाल गुर्जर ने बनवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर को प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। दोस्तों मुरैना को प्रारंभ में पेंच मुरैना कहा जाता था क्योंकि यहाँ कपास बनाने की मशीनें थी। साथ ही मुरैना को सिकवारी या तनावरगढ़ नामों से भी जाना जाता था। दोस्तों मुरैना जिले के अंतर्गत भी भीम वैटिका के समकालीन गुफाएं पाई गई हैं, जिन्हें हम पहाड़गढ़ की गुफाओं के नाम से जानते हैं। इन गुफाओं की संख्या 86 है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुफा लिखी राज की गुफा है जो आसन नदी के किनारे स्थित है, जिनमें शैल चित्र प्राप्त हुई है। इन गुफाओं में कहा जाता है कि पांडव अज्ञातवास में रहे थे। दोस्तों अगर बात करें खूबसूरत टूरिस्ट दर्शनीय स्पॉट स्थलों की तो आप जैसे बटेश्वर मंदिर, ककनमठ मंदिर, गढ़ी पड़ावली मुरैना, शनिश्चर मंदिर, मुरैना संग्रहालय, सिहुनिया मंदिर आदि देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अपने शहर या जिले की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।